हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूजेन सॉफ्टवेयर के क्वार्टर 1 22 के रियल डिस्कस करेंगे। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 1 22 के रियल थे, यह पिछले क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 4 21 के रियल थे, यह पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 1 21 के रियल थे। हम इस क्वार्टर के रियल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अमाउंट इन रुपीज लाख। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है कंपनी की वो है 17,011 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर की थी 20,455 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 13,603 लाख रुपए। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें कंपनी की इनकम अराउंड 3,400 लाख रुपए कम हो गई है, एंड ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अराउंड 3,400 लाख रुपए इंक्रीज हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इनकम डिक्रीज हुई है, पर ईयर बेसिस पे उतनी ही इंक्रीज हो गई है। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो है 14,150 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर के थे 13,950 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 12,412 लाख रुपए। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर से ज्यादा हैं, जबकि इनकम कम है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो है 2,861 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर का था 6,504 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 1,191 लाख रुपए। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कंपनी का वो है 2,160 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर का था 5,273 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 912 लाख रुपए। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें कंपनी का प्रॉफिट हाफ से भी कम हो गया है, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 60% डिक्रीज हो गया है। यह क्यों इतना ज्यादा कम हुआ? एक तो कंपनी की इनकम डिक्रीज होगी, देखिए इनकम डिक्रीज हुई, ऊपर से फ्रेंड कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं पिछले क्वार्टर से। इनकम कम हुई है पर खर्चे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। एंड ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, दैट इज 100% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। यह इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हुआ? देखिए, एक तो इनकम अच्छी खासी बढ़ गई, इनकम कितनी बढ़ी 3,400 लाख रुपए, और यदि मैं खर्चे देखूं इस क्वार्टर के कितने इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से, 2,800 लाख रुपए के खर्चे इंक्रीज हुए हैं ओनली। देखिए, इनकम ज्यादा बढ़ी है, खर्चे कम बढ़े हैं, तो ईयर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हुआ है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है, ईयर बेसिस पे इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ईयर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे, पर ईयर बेसिस पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर, जिससे हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। तो देखिए, जो कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का वो है 3.12 रुपये, पिछले क्वार्टर का था 7.61 रुपये, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 1.32 रुपये। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे साफ पता लग रहा है कि अर्निंग पर शेयर से कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर हाफ से भी कम हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 4.50 रुपये पर शेयर डिक्रीज हो गया है, एंड ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर डबल से भी ज़्यादा हो गया है, अराउंड 1.80 रुपये पर शेयर इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के ईयर बेसिस पे तो बहुत अच्छे हैं, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अभी देखते हैं कि हमें इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम कंपनी की सेल और प्रॉफिट का डाटा देखेंगे पिछले कुछ सालों का। तो चलिए, इसके लिए screener.insight पर चलते हैं। हम screener.insight पर आ गए हैं, जहां पर कंपनी के सेल का डाटा मार्च 2015 से अवेलेबल है। देखिए, 2015 में कंपनी की सेल थी 308 करोड़, 16 में 347 करोड़, 17 में 427 करोड़, 18 में 512 करोड़, 19 में 621 करोड़, 20 में 661 करोड़, 21 में 673 करोड़। तो यदि कंपनी की सेल देखें मोस्टली हर साल बढ़ रही है, जहाँ पर आके थोड़ी सी कम बढ़ी है और पिछले साल भी थोड़ी सी कम बढ़ी है, पर बढ़ हर साल रही है। और यदि मैं पिछले 6 सालों का कंपेयर करूँ तो कंपनी की सेल अराउंड डबल हो गई है 6 सालों में।
और अभी देख लेते हैं प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर। मैं डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर देख लेता हूँ कि जिससे हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि कंपनी का शेयर पहले कितना कमा रहा था और अभी एक शेयर कितना कमा रहा है। तो देखिए 2015 में कंपनी का एक शेयर कमा रहा था 8.59 रुपये, 16 में 5.15 रुपये, 17 में 7.98 रुपये, 18 में 10.53 रुपये, 19 में 14.69 रुपये, 20 में 10.40 रुपये और 21 में 18.07 रुपये। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ ही रहा है और पिछले 6 सालों में डबल से भी ज़्यादा हो गया अर्निंग पर शेयर भी। ये सेल है और अर्निंग पर शेयर जब प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया है पिछले 6 सालों में। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और सेल भी बढ़ रही है। बस पिछले 2 सालों का मेरे को थोड़ा सा सेल में डाउट लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी कम बढ़ी है, वैसे बढ़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देख लेते हैं डिविडेंड। तो देखिए कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। देखिए 14% दिया अपने प्रॉफिट का, फिर 16 में 29% दिया, 17 में 18% दिया, 18 में 19% दिया, 19 में 20% दिया, 20 में 19% दिया, 21 में 19% दिया। फ्रेंड जो कंपनी कमाती है वो डिविडेंड भी मोस्टली दे ही देती है। जो कंपनी कमा रही है पर डिविडेंड नहीं देती तो उस पर हमें डाउट रहता है कि वो कंपनी कमा रही है पर डिविडेंड क्यों नहीं दे रही। यदि कोई कंपनी डिविडेंड साथ में दे रही हो तो वो कंपनी अच्छी रहती है और हम उनके शेयर होल्डर को भी अच्छी खासी कमाई होती रहती है साथ साथ में। तो चलिए अभी देखते हैं कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। देखिए अभी कंपनी के ऊपर मार्च 2021 में 20 करोड़ का डेप्ट है। पहले 111 का था जिसको कंपनी ने काफ़ी कम कर लिया, 1/5 टाइम रह गया। और 20 करोड़ कोई बड़ी बात भी नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए और इनके पास रिजर्व भी अच्छे खासे हैं 596 करोड़ के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड कंपनी की बैलेंस शीट में। अभी देख लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर के पास हैं 55.16%, होल्डिंग FII के पास है 20.5%, DII के पास है 7.53%, पब्लिक के पास है 15.97% और अदर के पास है 0.85%। फ्रेंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। FII के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। तो फ्रेंड यदि हम ओवरऑल बात करें तो देखिए कंपनी की सेल पिछले 6 सालों की डबल हो गई है पर अभी 2-3 सालों से थोड़ी सी कम बढ़ रही है। पर फ्रेंड बढ़ तो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या पता आगे एकदम से बढ़ जाए। और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है हर साल। और कंपनी की यदि पी रेशियो देखें हम, अभी कंपनी का पी अर्निंग पर शेयर था 18 रुपये के अराउंड और कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 650 रुपये के अराउंड। तो कंपनी की पी रेशियो है अभी वो है 650/18 अराउंड 35 है। तो ठीक ठाक है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और कंपनी के रिजल्ट इस क्वार्टर के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर वीक हैं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे हैं। और कंपनी अपने प्रॉफिट का अच्छा खासा डिविडेंड भी दे देती है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देती। तो मेरे को तो जैसे निवेश करने के लिए ठीक ठाक लगा, ऐसा नहीं है कि काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है फ्रेंड, एवरेज से अबव है। तो यदि आप इसमें निवेश करना चाहें तो एक बार खुद भी एनालाइज कीजिए, उसके बाद इसमें निवेश कीजिएगा। और यदि आपके पास है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको होल्ड कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इसमें। ओके थैंक्स।